हेलो दोस्तों, आप लोगों को पता है अभी पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है। और इस शीतकालीन सत्र में अभी याद रखेंगे कि एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर वुमेन रिजर्वेशन। जैसा आपको पता है, पंचायती राज में महिलाओं को रिजर्वेशन प्राप्त है, 33% का रिजर्वेशन प्राप्त है महिलाओं को आर्टिकल 243D के प्रोविजन के तहत। इसी प्रकार दोस्तों, जब हम अगर बात करें वर्तमान में जो हमारी 17वीं लोकसभा है, हमारी 17वीं लोकसभा में वुमेन जो मेंबर्स हैं उनका परसेंटेज मात्र 14.9% है, मात्र 78 वुमेन है उसमें, जो कि आपकी लोकसभा की सदस्य हैं। तो वुमेन के रिजर्वेशन देने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया है। अब ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, इस प्राइवेट मेंबर बिल की अगर बात करें तो याद रखिएगा, ये किसी निजी एमपी के द्वारा, ये किसी मंत्री नहीं बल्कि किसी एक प्राइवेट मेंबर, एक सिंपल एक एमपी के द्वारा क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये एमपी रूलिंग पार्टी से भी हो सकते हैं और आपके अपोजिशन से भी हो सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट मेंबर बिल की, तो याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ कब इंट्रोड्यूस किया जाता है, ओनली ऑन फ्राइडे इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसका जो भी मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करना, इसके ऊपर जो खर्चे होते हैं वो उस प्राइवेट मेंबर के द्वारा क्या किए जाते हैं, बेयर किए जाते हैं, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। सामान्यतः आज तक देखा गया है कि जितने भी प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो सामान्यतः लोकसभा से पास होने के चांसेस जो हैं उसके कम होते हैं। दोस्तों ऐसे ही फैक्ट को जानने के लिए आप जुड़े हमारे साथ एग्जामपुर सीडीएस सीएपीएफ एग्जाम प्रेप पर। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे एग्जामपुर सीडीएस सीएपीएफ एग्जाम प्रेप के द्वारा आप लोगों के लिए सीडीएस का पराक्रम बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें कि सीडीएस 1 के जो पराक्रम बैच है उसका प्राइस 1499 है और सीडीएस ओटीए एग्जाम का जो बैच है उसकी प्राइस है मात्र 999। तो आप लोग जाएं एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को ज्वाइन कर, डाउनलोड करें और इस बैच को जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।